हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक डिलाइटफुल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साउथ की फेमस रेसिपी अप्पम। इसको बनाना बहुत आसान है और ये 5 मिनट में बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। यहाँ मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अप्पम के साथ सर्व करने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल और उसे गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे एक प्याज और 5 से 6 लहसुन। इसको हम लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून। इसको भी हमें प्याज के साथ हल्का सा कच्चापन दूर होने तक भून लेना है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चना दाल, इससे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और डाल दिए मैंने 3 से 4 लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ मैंने डाल दिया है 5 से 6 करी पत्ता। करी पत्ते से भी चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे हम। अभी सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, दाल का कलर भी चेंज हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए इसी तरह का स्मूथ पेस्ट हमें रेडी करना है। इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चटनी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सेम कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया मैंने 1/2 छोटी चम्मच राई यानी कि सरसों, और उसमें डाल देंगे 3 से 4 करी पत्ता और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम हींग, और इन सभी को एक बार मिक्स कर देंगे और फ्लेम हम इस समय ऑफ कर देंगे। तड़का तैयार है तो इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे और चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। आप ये चटनी को इडली डोसा किसी के साथ सर्व कर सकते हैं और 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम अप्पम बनाने के लिए उसका बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें डाल देंगे हम 1 कप सूजी। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं, और उसमें डाल देंगे सूजी का 1/2 कप दही, दही हमें ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना है, और उसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून चीनी और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और उसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। जितना हमने दही लिया है उतना ही हमें पानी डालना है। रुक रुक कर 1 से 2 बार हमें मिक्सी को चला लेना है। हमारा बैटर रेडी है, इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 TSP इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो फ्रूट सॉल्ट डालने से हमारे अप्पम बहुत जालीदार बन के रेडी होंगे। इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह पर 1/4 TSP बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब इनो डालने के बाद बैटर हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है। एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसे थोड़े से तेल से चिकना कर लिया है इस तरीके से, और उसमें 1 बड़ा चम्मच बैटर डाल देंगे और इसे हल्के हाथ से फैला देना है इस तरीके से। इसको बनाना बहुत आसान है और सूजी के अप्पम टेस्टी भी बहुत लगते हैं। अब इसे हम ढक करके 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे अप्पम में कितनी जालीदार और कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। जब ऊपर का मॉइस्चर सूख जाए तो समझिए कि अप्पम तैयार है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको अप्पम का दूसरा साइड भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। इसी तरीके से हम बागी अप्पम भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको डालते ही इसमें छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। सेम तरीके से हम बाकी सभी अप्पम को बना के रेडी कर लेंगे और इन्हें प्लेट में निकालते जाएंगे।
मैंने सभी अप्पम को बना के रेडी कर लिया है और साथ में सर्व की है मूंगफली की चटनी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।